घर में रह कर इस गर्मी से भी हमने बचना है, दूसरा ईद पर भी हमने अपनी स्किन को फ्रेश रखना है, तो क्या क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं? अच्छा, एक तो ये कि होम रेमेडीज़ थोड़ा मैं प्रमोट नहीं करती क्योंकि लोग ओवरडू कर जाते हैं एंड दे डोंट नो कि हमारी स्किन का इशू क्या है. इशू के मुताबिक ट्रीटमेंट होगा, इशू के मुताबिक सोल्यूशन होगा. ठीक है, तो लोग सोल्यूशन करना शुरू कर देते हैं, अपना इशू नहीं जानते. मिलाजमा वाले लोग भी समझते हैं कि हम मुंह पे वो दही और साथ में लीमू लगाने से बेहतर हमारा रिजल्ट आ जाएगा. इस तरह नहीं होता. घर में आप स्किन वाइटनिंग नहीं कर सकते, आप स्किन ब्राइटनिंग के ट्रीटमेंट्स कर सकते हैं ईद से पहले. ठीक है, एलोवेरा अप्लाई करना ऑर्गेनिकली, उसके अलावा टर्मेरिक के साथ कुछ करना, लेमन के साथ कुछ करना अगर आपके फेस पे नहीं है. ये टिप्स तो एक तरफ, ये आपको खुद पता है आपको सूट करती है नहीं करती. मैं इन्हें रिकमेंड नहीं करती क्योंकि आई समटाइम्स थिंक कि ऑर्गेनिक जो फूड है वो आप खाएं, वो आप लगाएं कोई एक मिकदार के अंदर. ठीक है, हाँ मैं ये कहूँगी कि आप नियर बाय एस्थेटिक क्लिनिक पे जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाएं, हमारे पास आएं, जो भी सारा करना है. आपको मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बता देती हूँ जो आप ईद से पहले जल्दी जल्दी से लेंगे. तो ब्लीच जो के किसी उसके कोई मेयार ही नहीं है कि उसने स्किन को कितना पील करना है. उसकी जगह आप जाके वो ट्रीटमेंट कराएं जो कि एक डॉक्टर की मकदार है कि उसने कितनी आपकी स्किन उतारनी है कि ब्राइटनिंग और वाइटनिंग रिजल्ट्स आ जाए. तो आप जाके सबसे पहले तो केमिकल पीलिंग कराएं. ओके, ठीक है. अब माइक्रोडर्माइब्रेजन जो कि हाइड्रोफेशियल के अंदर आता है वो कराएं. ठीक है, आप हाइड्रोफेशियल करा सकते हैं, उसमें ब्राइटनिंग सीरम्स यूज़ होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स यूज़ होते हैं. उसके अलावा आप साथ में केमिकल पीलिंग का कॉम्बिनेशन लें, रियली गुड. तीसरा कार्बन लेज़र, कार्बन लेज़र पीको लेज़र के साथ किया जाता है. फेस पे कार्बन मास्क लगाया जाता है जो आपकी सारी पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ होती है, चीक पे होती है, माथा फुली टैंड होता है इन 48 आवर्स. अच्छा, आपकी सारी टैनिंग फेस की रिमूव हो जाती है, साथ कोलेजन इंडक्शन हो जाती है. अब फेस पे कार्बन मास्क अप्लाई करके तो उसके साथ पीको करवा सकते हैं. रियली गुड कॉम्बिनेशन कार्बन लेजर कह सकते हैं उसे, स्पेक्ट्रा फेशियल, हॉलीवुड फेशियल के नाम से बड़ा पॉपुलर है. ठीक है, मुख्तलिफ नाम है, काम वही है. उसके अलावा डर्मा प्लानिंग करा सकते हैं. डर्मा प्लानिंग की मिथ है, लोग कहते हैं जी मुंह पे बाल ज़्यादा आ जाएंगे. जी नहीं, वो सर्जिकल ब्लेड से 45 डिग्री के एंगल पे होता है, आपकी सारी डेड लेयर उतर के आपकी ब्राइटनिंग इफेक्ट आ जाता है. ये सारे मुनीबा ब्राइटनिंग इफेक्ट है. दो चीज़ें लोगों को आइडिया नहीं, कंफ्यूज करते हैं, अलग है और ब्राइटनिंग अलग है. ब्राइटनिंग वो है कि आपकी असली हालत जो टैनिंग से पहले, स्किन डैमेज से पहले थी, उसे ब्राइटनिंग कहते हैं. व्हाइटनिंग है अपनी टोन से लाइटर होना. अच्छा, ठीक है. और हमेशा असूल है पहले ब्राइटनिंग पे जाएं फिर आप लाइटनिंग पे जाएं.